हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल चैंप्स जे के तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक मॉक टेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द फेमस टॉम्प ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है किश्तवाड़ बी ऑप्शन है बडगाम थर्ड बारहमुला और फोर्थ बांडीपुरा तो दोस्तों इसका सही आंसर है बडगाम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पामपुर इज फेमस फॉर तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेफ्रन, सेकेंड ऑप्शन इज टोबैको थर्ड ऑप्शन इज पल्सिस और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर है सैफरन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है बिटवीन होम ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह सेकेंड ऑप्शन इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हरी सिंह थर्ड ऑप्शन इज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड करण सिंह फोर्थ ऑप्शन इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रणबीर सिंह तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ऑप्शन है डल लेक बी इज वेनाग सी इज़ वोला लेक और डी इज नन ऑफ दीज तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेदनाग चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एरिया है फर्स्ट ऑप्शन है अनंतनाग सेकंड ऑप्शन इज कठुआ थर्ड ऑप्शन इज ले और फोर्थ है नानोपीस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर फर्स्ट ऑप्शन इज नूरुद्दीन नूरानी सेकंड ऑप्शन इज बाबा गुलाम शाह थर्ड ऑप्शन इज जलालुद्दीन रूमी और फोर्थ ऑप्शन है पीर बाबा तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नूरुद्दीन नूरानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फीच एम द फॉलोइंग इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है गांधरबल सेकेंड ऑप्शन है कुलगाम थर्ड ऑप्शन है बांडीपुरा और फोर्थ ऑप्शन है शोपिया तो so, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुलगाम चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फेमस स्की रिजॉर्ट इन जे एंड के इज प्रेजेंट एट तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है जंस्कार सेकेंड ऑप्शन है गुलमर्ग थर्ड ऑप्शन है पहलगाम एंड फोर्थ ऑप्शन है सोनमर्ग तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुलमर्ग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ श्राइन ऑफ अमरनाथ इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के तो फर्स्ट ऑप्शन है बडगाम सेकंड ऑप्शन है अनंतनाग थर्ड ऑप्शन है डोडा और फोर्थ ऑप्शन है बारामूला तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनंतनाग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज कॉल्ड द गेट वे ऑफ जे एंड के तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है अखनूर सेकेंड ऑप्शन है उरी थर्ड ऑप्शन है जसरोटा और फोर्थ ऑप्शन है लखनपुर तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनपुर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ है जे एंड के लॉन्च द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन विच ईयर तो जे एंड के ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान किस साल लॉन्च किया था तो so, इसका पहला ऑप्शन है 1951 सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है है 1955 थर्ड 1961 और फोर्थ ऑप्शन है 1956 तो so, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है question राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल तो कौन सा आर्टिकल है तो फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आर्टिकल फोर्टीन सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल नाइनटीन थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल ट्वेंटी टू और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेवन नाइनटी टू सेकेंड ऑप्शन इज़ एट नाइन्टी टू थर्ड ऑप्शन इज़ एट एटी नाइन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एट एटी नाइन इसका मतलब क्या है कि थाउजेंड मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं तो वो है एट एटी नाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज़ किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अनंतनाग सेकेंड ऑप्शन इज जम्मू थर्ड ऑप्शन इज़ श्रीनगर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज नाइनटीन सिक्सटी फाइव सेकेंड ऑप्शन नाइनटीन सेवेंटी थर्ड ऑप्शन नाइनटीन सिक्सटी और फोर्थ ऑप्शन है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइनटीन सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हु टेक्स द डिसीजन टू होल्ड इलेक्शन टू द पंचायत तो कौन लेता है डिसीजन ऑप्शन ए है इलेक्शन कमीशन ऑप्शन बी इज स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कौन लेता है डिसीजन इसका तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का फर्स्ट ऑप्शन है क्यूबा सेकेंड ऑप्शन है इंडिया थर्ड ऑप्शन है अर्जेंटीना एंड फोर्थ ऑप्शन इज यू एस ए तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन द गवर्नर ऑफ जे एंड के अप्रूव पंचायती राज एक्ट इन तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1988 सेकंड ऑप्शन है मार्च 1989 एटी थर्ड ऑप्शन है जुलाई 1989 और फोर्थ ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज तो क्वेश्चन नंबर एटीन का सही आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 1989 तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन टू द हल्का पंचायत शैल बी हेल्ड तो फर्स्ट ऑप्शन है वन मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ टर्म नेक्स्ट ऑप्शन है विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर सेशन थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड मतलब इन दोनों में से कोई भी और फोर्थ है नन ऑफ दिस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सही आंसर है ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द वर्ड चेयरमैन रेफर्स टू ठीक है द चेयरमैन ऑफ द पंचायती अदालत बी द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सी द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग शेल बी नॉमिनेटेड बाई होम ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट ऑप्शन बी इज सरपंच ऑप्शन सी इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर है ए ऑप्शन ए गवर्नमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हाउ मैनी मीटिंग्स सरपंच शेल कन्वीन इन ए फाइनेंशियल ईयर इसका ऑप्शन ए है वन मीटिंग इन ईयर बी फोर मीटिंग्स इन ए एयर सेकंड टू मीटिंग्स इन ए एयर और डी फाइव मीटिंग्स इन ए ईयर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड का सही आंसर है ऑप्शन सी टू मीटिंग इन ए ईयर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉट इम्पोजिबल बाय एनी कोर्ट ठीक है तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल थर्टी सिक्स सेकेंड ऑप्शन इज आर्टिकल थर्टी सेवन ऑप्शन थर्ड है आर्टिकल थर्टी एट ऑप्शन फोर्थ है आर्टिकल थर्टी नाइन तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का सही आंसर है आर्टिकल थर्टी सेवन ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ है राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी वाज़ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेकंड ऑप्शन है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थर्ड ऑप्शन है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और फोर्थ है वाजपेयी गवर्नमेंट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट वन ऑप्शन बी इज पार्ट थर्ड ऑप्शन सी इज़ पार्ट फोर्थ और ऑप्शन डी इज़ पार्ट फिफ्थ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सही आंसर है ऑप्शन सी पार्ट फोर्थ चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है भजन सोपरी इज फेमस फॉर तो दोस्तों किस चीज़ के लिए फेमस है भजन बज सोपरी जी तो ऑप्शन वन है एक्टर हैं ये ऑप्शन बीज सिंगर ऑप्शन सी तबला प्लेयर और ऑप्शन डी संतूर प्लेयर तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संतूर प्लेयर तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आइस टोपा टेक्निक दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हुज़ डेवलप्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रोफेसर सतीश धवन तो सेकेंड ऑप्शन इज़ जिमी फैलन थर्ड ऑप्शन है सोनम वांगचुक और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिज तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोनम वांगचुक चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट्थ विच डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इज़ गुलाब सिंह सेकेंड ऑप्शन इज़ जोरावर सिंह थर्ड ऑप्शन इज़ हरी सिंह और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिज तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाराजा हरि सिंह जी दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ऑप्शन फर्स्ट इज मेहर चंद महाजन ऑप्शन बी इज करण सिंह ऑप्शन सी इज शेख अब्दुल्ला एंड ऑप्शन डी इज बख्शे गुलाम मोहम्मद तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेहर महाजन ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाउ मेनी मेम्बर्स आर इन जे एंड के लेजिस्टिव असम्बली तो ऑप्शन ए इज़ सेवेंटी फाइव ऑप्शन बी इज़ एटी थ्री ऑप्शन सी इज़ नाइनटी फाइव और ऑप्शन डी है हंड्रेड तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एटी थ्री तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सेक्शन कम्प्लीट हो चुका है और अब आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स इसके दस क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ ऑप्शन वन इज रेशो ऑप्शन टू इज़ परसेंटेज ऑप्शन सी इज़ प्रोपोर्शन एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबाउ तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओ गिव इज ए तो ऑप्शन ए इज लाइन डायग्राम, बी बार डायग्राम, सी बोथ और ऑप्शन डी है नन तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाइन डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री है क्रिटिकल रीजन इज ऑप्शन ए इज रिजेक्शन एरिया बी इज एक्सेप्टेंस एरिया ऑप्शन सी इज प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज टेस्ट स्टैटिक वैल्यू तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी का भी सही आंसर है ए रिजेक्शन एरिया चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ चीज क्योर केस ऑफ कंटेंजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर फोर इंटू थ्री आर तो दोस्तों ऑप्शन ए है ट्वेल्व ऑप्शन बी है नाइन ऑप्शन सी है एट और ऑप्शन डी है सिक्स तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इरेगुलर वेरिएशंस आर ऑप्शन ए रेगुलर ऑप्शन बी साइक्लिक ऑप्शन सी एपिसोडिक और ऑप्शन डी नान ऑफ द एबा तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन सी एपिसोडिक क्वेश्चन नंबर है द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू वेदर अकॉर्डिंग टू वेदर द एन आर आर एक्सीड्स इक्वल और इज लेस देन ठीक है तो किस वैल्यू से इक्वल हो सकता है लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है या फिर इक्वल है स्टेगनेंट है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जीरो ऑप्शन बी है माइनस वन ऑप्शन सी है टू और ऑप्शन डी है यूनिटी तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूनिटी वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन लेट ए की वैल्यू दे रखी है वन टू थ्री फोर फाइव और बी सेट की वैल्यू दे रखी है टू थ्री सिक्स सेवन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी डॉट बी इंटू ए तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रखे हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ एटीन ऑप्शन बी इज़ सिक्स ऑप्शन सी इज फोर एंड ऑप्शन डी इज जीरो तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन का सी फोर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट्थ इफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड द लाइन एक्स इज इक्ल टू ए बार एक्स इज इक्ल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश z इज इज इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस टी डैश आर पेंडी पर तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एट का ऑप्शन बी a ए डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू माइनस वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ द एंगल बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू एंड y इज एंड जेड इज इक्वल टू जीरो इज दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए नाइन्टी डिग्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर टेंथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट वन टू फोर अपॉन द प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्ल टू ज़ीरो आर तो क्या कॉर्डिनेट्स हैं ऑप्शन वन है ऑप्शन ए इज़ वन वन माइनस फोर बी इज़ फोर माइनस थ्री वन सी इज़ वन माइनस थ्री फोर और डी है माइनस वन फोर थ्री तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन डी तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मैथ का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है तो आप चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जनरल इकोनॉमिक्स तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर फर्स्ट इज वेरिएबल सेकेंड ऑप्शन इज नॉन वेरिएबल थर्ड ऑप्शन इज मे और मे नॉट बी वेरिएबल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वेरिएबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो ऑप्शन ए इज एडम स्मिथ ऑप्शन बी इज़ जे एम कीन्स ऑप्शन सी इज़ जॉन ग्रंट एंड ऑप्शन डी इज़ कार्ल मार्क्स तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू रिसीट्स तो ऑप्शन ए है टैक्स रेवेन्यू ऑप्शन बी है नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑप्शन सी है रिकवरी लोन्स और ऑप्शन डी है बोरइंग एंड अदर लाइबिलिटीज तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन ए टैक्स रेवन्यू तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम आवर टाइम ऑप्शन बी है ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑप्शन सी इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रोड द बुक हाउ टू पे फॉर मनी ऑप्शन फर्स्ट इज अमृत्या सेन ऑप्शन बी इज एडम स्मिथ ऑप्शन सी इज कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी इज प्रोफेसर कीन्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर कीन्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ए रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन ऑप्शन ए स्टेज फर्स्ट ऑप्शन बी स्टेज सेकंड ऑप्शन सी स्टेज थर्ड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन नंबर सेवंथ है प्रोडक्शन फैक्ट प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ऑप्शन ए इज़ लैंड ऑप्शन बी इज लेबर ऑप्शन सी इज कैपिटल और ऑप्शन डी है एवरेज कॉस्ट तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर है ऑप्शन डी एवरेज कॉस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जी पी इन इंडिया तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर ऑप्शन सी है टर्सरी सेक्टर और ऑप्शन डी है नान ऑफ तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टर्ची सेक्टर जिसमें क्या आता है सर्विसिंग वाली सारी कंपनीज़ आती है तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन देन द कम्युनिटी इज़ ऑप्शन ए इज़ लेस देन वन ऑप्शन बी इज़ लेस देन ज़ीरो ऑप्शन सी है इक्वल टू वन और ऑप्शन डी है ग्रेटर देन वन तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का ऑप्शन बी लेस देन ज़ीरो तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ ए मोनोपोली इज़ ए मार्केट विद ऑप्शन ए है नो बैरियर्स टू एंट्री ऑप्शन बी है मैनी सब्सट्यूट्स ऑप्शन सी है मैनी सप्लायर्स और ऑप्शन डी है वन सप्लायर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेंथ का सही आंसर है ऑप्शन डी वन सप्लायर तो दोस्तों अभी तक हमारे तीन सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में तो ये है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इसमें थर्टी क्वेश्चन होंगे तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है विच इज द फास्टस्ट स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन वन है फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन बी है जिप डिस्क ऑप्शन सी है सी डी रोम और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हार्ड डिस्क चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं इन सी डी एक्स डिनोट्स ऑप्शन ए है स्पीड ऑप्शन बी है स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्शन सी है टाइम और ऑप्शन डी है नन तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पीड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड हु इज द फादर ऑफ पंचर्ड कार्ड प्रोसेसिंग तो दोस्तों ऑप्शन ए है जे प्रेस्पर इकार्ट ऑप्शन बी है चार्ल्स बाबेज ऑप्शन सी है डॉक्टर हीम हॉलिट और ऑप्शन डी है प्लेस पास्कल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज़ यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है वैक्यूम ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर्स ऑप्शन सी है आईसी चिप्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे विद इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑप्शन ए है सर्किट ऑप्शन बी है लाइन ऑप्शन सी है बस और ऑप्शन डी है ट्रैक तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स मैक्रोमीडिया इज द नेम ऑफ द कंपनी रिलेटेड विद ऑप्शन ए है हार्डवेयर ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी है पेरिफेरल्स और ऑप्शन डी है सर्विसेज तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है बी सॉफ्टवेयर ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है एन एनआईपी एड्रेस कंटेन फोर सेट ऑफ नंबर ऑप्शन ए है वन टू हंड्रेड ऑप्शन बी है जीरो टू टू फिफ्टी फाइव और ऑप्शन डी है वन टू फाइव हंड्रेड तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का सही आंसर है ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क पोर्ट में भी यूज तो ऑप्शन ए है सीरियल ऑप्शन बी है फायर वायर और ऑप्शन सी है यूएसबी और ऑप्शन डी है इथरनेट तो क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर है ऑप्शन डी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है साउंड कार्ड्स अलो यू टू कनेक्ट वेराइटी ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए माइक्रोफोन बी स्पीकर सी जॉयस्टिक और डी है टीवी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सही आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो दोस्तों ऑप्शन ए है जीरो वन ऑप्शन बी है वन वन जीरो ऑप्शन सी है वन वन और ऑप्शन डी है टेन तो क्वेश्चन नंबर टेंथ का सही आंसर है ए ज़ीरो वन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवेंथ द सिंबल्स यूज इन एन असेंबली लैंग्वेज आर तो ऑप्शन ए है कोड्स ऑप्शन बी है निमोनिक्स ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 11th का सही आंसर है बी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th ए मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम्स इज ऑप्शन ए इज कोर मेमोरी ऑप्शन बी इज रोम ऑप्शन सी इज रैम ऑप्शन डी इज कंट्रोल मेमोरी तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन बी रोम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जी यू आई स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन बी है ग्राफ यूज इंटरफेस ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस और ऑप्शन डी है नान ऑफ तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश कमांड तो ऑप्शन ए है सेव कमांड ऑप्शन बी है ओपन ऑप्शन सी है नेव और ऑप्शन डी है एडिट तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेव चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ ओ एस आई स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है ओपन सोर्स इंडेक्स ऑप्शन बी है ओपन सोर्स इमेज और ऑप्शन सी है ओपन सोर्स इनिशिएटिव और ऑप्शन डी है ओपन सोर्स इंस्टेंट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का सही आंसर है ओपन सोर्स इनिशिएटिव तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑप्शन ए है सी आर टी के थोड रेट्यूब ऑप्शन बी है ऑप्टिकल स्कैनर्स क्वेश्चन नंबर सी है सॉरी ऑप्शन नंबर सी है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस ऑप्शन डी है सी ओ एम कंप्यूटर माइक्रो फिल्म तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सही आंसर है सी ओ एम कंप्यूटर माइक्रो फिल्म हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच इज़ नॉट ए कंप्यूटर पेरीफिल तो दोस्तों ऑप्शन हैं इसके ऑप्शन ए है स्कैनर ऑप्शन बी है स्पीकर ऑप्शन सी है सी और ऑप्शन डी है प्रिंटर तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का सही आंसर है सी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीनथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद स्कैनर्स तो दोस्तों ऑप्शन ए है लेजर ऑप्शन बी है फैन ऑप्शन सी है कार्ट्रिज cart, uh, और ऑप्शन डी है टोनर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एटीन का सही आंसर है ऑप्शन ए लेजर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प यू हेल्प योर कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑप्शन ए है फायरवॉल ऑप्शन बी है वी लैन ऑप्शन सी है गुड पासवर्ड ऑप्शन डी है अपडेटेड सॉफ्टवेयर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सही आंसर है बी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है वर्ल्ड वाइड वेब बिगेन फ्रॉम द ईयर ए ऑप्शन ए है 1987 ऑप्शन बी है 1988 ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1990 तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का सही आंसर है ऑप्शन सी 1989 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट कह रहा है कि विच टू मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सबमिट डाटा टू ए वेब सर्वर तो ऑप्शन ए है गेट एंड पोस्ट ऑप्शन बी है गेट एंड एपीआई ऑप्शन सी है पोस्ट एंड ए और ऑप्शन डी है नान ऑफ द तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट का सही आंसर है ए गेट एंड पोस्ट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द वायरस दैट स्प्रेड इन अपलाइंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट है बूट वायरस ऑप्शन बी है माइक्रो वायरस ऑप्शन सी है फाइल वायरस एंड ऑप्शन डी है एंटी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो वायरस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है व्हाट इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस तो ऑप्शन ए है ब्रेन ऑप्शन बी है माइंड ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है नान ऑफ द तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रेन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस तो ऑप्शन ए है द फेमस बी है हार्ली सी है परम और डी है क्रीपर क्वेश्चन तो नंबर का सही आंसर है डी क्रीपर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी तो है डाटा बेस एक्ट एक्टर और डी है नान ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर है ऑप्शन बी डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आर टी एफ स्टैंड फॉर ए ऑप्शन ए है रैंडम टेक्स्ट फाइल ऑप्शन बी है रिच टेक्स्ट फाइल ऑप्शन सी है रिस्टोर टेक्स्ट फाइल और ऑप्शन डी है रिमूव टेक्स्ट फाइल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन बी रिच टेक्स्ट फाइल चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है लैंड स्टैंड फॉर तो ऑप्शन ए है इसका लोकल एंड नेशनल बी लोकल एरिया नेटवर्क सी लार्ज एरिया नेटवर्क और डी है ऑप्शन लाइव एरिया नेटवर्क तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉट इज फैट तो ऑप्शन ए है फाइल एकोमडेशन टेबल ऑप्शन बी है फाइल एस एस टेप ऑप्शन सी है फाइल एलोकेशन टेबल और ऑप्शन डी है फाइल एक्टिविटी टेबल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का सही आंसर है ऑप्शन सी फाइल एलोकेशन टेबल चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइंथ है हु इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन ए स्पीकर ऑप्शन बी स्कैनर ऑप्शन सी सी और ऑप्शन डी सी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ का सही आंसर है ऑप्शन सी सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी है व्हाट इज़ एल ए पी ऑप्शन ए है लिंक एस प्रोटोकॉल ऑप्शन बी है लिस्ट एस एस प्रोटोकॉल ऑप्शन सी है list, लिस्ट एडिट प्रोग्राम और ऑप्शन डी है लिंक एडिट प्रोग्राम तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही आंसर है ए लिंक एसएस प्रोटोकॉल तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है अब आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन ऑप्शन ए है थियरी ऑप्शन बी है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑप्शन सी है सब्जेक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है नान ऑफ दीस तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रैक्टिकेबिलिटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ऑप्शन ए टू काइंड्स ऑप्शन बी थ्री काइंड्स ऑप्शन सी फोर काइंड्स और ऑप्शन डी है फाइव काइंड्स तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थ्री काइंड्स चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स क्वेश्चन ऑप्शन ए है क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन बी है डेबिट बैलेंस ऑप्शन सी है बैंक ओवरड्राफ्ट और ऑप्शन डी है एडजस्टेड बैलेंस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन बी डेबिट बैलेंस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज ऑप्शन ए इज क्रेडिट ऑप्शन बी इज डेबिट ऑप्शन सी इज लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज एक्सपेंस तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेडिट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शन फर्स्ट है पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन बी है पार्ट ऑफ कैश बुक ऑप्शन सी है इज सेपरेट स्टेटमेंट और ऑप्शन डी है इस सब डिवीजन ऑफ जर्नल तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है ए सेपरेट स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज रेफर टू एस ऑप्शन ए है द बैलेंस ऑप्शन बी है क्रेडिट ऑप्शन सी है डेबिट और ऑप्शन डी है ए फोर्टिंग तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन सी ए डेबिट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है लेजर इज ए बुक ऑफ ऑप्शन ए है ऑरिजिनल एंट्री ऑप्शन बी है फाइनल एंट्री ऑप्शन सी है सेकेंडरी एंट्री और ऑप्शन डी है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का सही आंसर है पी बुक ऑफ फाइनल एंट्री तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ है ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ऑप्शन ए है बैलेंस शीट बैलेंसेस बी लेजर अकाउंट बैलेंसेस ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंसेस और ऑप्शन डी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर है ऑप्शन बी लेजर अकाउंट बैलेंसेस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्रेडिट मीन्स ऑप्शन ए एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑप्शन बी ए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन एक्सपेंसिस ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन एसेट्स तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओनली रियल ऑप्शन बी है ओनली पर्सनल ऑप्शन सी है ऑल अकाउंट्स आर कैप्ट और ऑप्शन डी है ओनली नॉमिनल अकाउंट तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी ऑल अकाउंट आर कैप्ट तीनों अकाउंट्स आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आइटम इन्फ्लुएंसेस ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट तो ऑप्शन ए है डिपॉजिट इन ट्रांसिट ऑप्शन बी है कंपनसेटिंग एरर्स ऑप्शन सी है कंप्लीट ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ऑप्शन डी है पार्शियल ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन दोस्तों क्वेश्चन नंबर इलेवंथ का सही आंसर है ऑप्शन डी पार्शियल ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है द मोस्ट कॉमन इंप्रेस सिस्टम इज डैश सिस्टम ऑप्शन ए है पेटी कैश ऑप्शन बी है कैश बुक ऑप्शन सी है कैश रिसीट एंड ऑप्शन डी इज डिस्काउंट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए पेटी कैश बुक चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टींथ है ए कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड एज ऑप्शन ए है कैश बुक ऑप्शन बी है टू कॉलम कैश बुक और ऑप्शन थ्री है थ्री कॉलम्स कैश बुक और ऑप्शन डी है पेटी कैश बुक तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सही आंसर है ऑप्शन सी थ्री कॉलम्स कैश बुक चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस तो ऑप्शन ए है रिटर्न एग्रीमेंट ऑप्शन बी है ऑरल एग्रीमेंट ऑप्शन सी है रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट और डी है ऑफ ऑप्थन तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सही आंसर है ऑप्शन सी रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे चलते हैं वट इज द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का फर्स्ट ऑप्शन है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बी है एग्रीमेंट ऑप्शन सी है पार्टनरशिप डीट और ऑप्शन डी है पार्टनरशिप एक्ट तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सही आंसर है ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑप्शन ए है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑप्शन बी है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑप्शन सी है लिमिटेड लाइफ और ऑप्शन डी है म्यूचुअल एजेंसी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सही आंसर है ऑप्शन बी लिमिटेड लाइबिलिटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है सी ए पी एम स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ऑप्शन बी है कैपिटल अमाउंटिंग प्रिंटिंग मॉडल ऑप्शन सी है कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल ऑप्शन डी है कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का सही आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीनथ व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इसका ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज द रिस्क टू मिनिमाइज द रिटर्न ऑप्शन सी है टू मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ एंड टू ऑप्शन फोर्थ है टू रेज द प्रॉफिट तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एटीन का सही आंसर है ऑप्शन बी टू मैक्सिमाइज द रिटर्न चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन तो दोस्तों ऑप्शन ए एसेट इज इक्वल टू कैपिटल ऑप्शन बी इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल ऑप्शन सी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल तो ये दोनों सेम ही option. Option है ऑप्शन और ऑप्शन डी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एसेट इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट तो ऑप्शन ए है कैश ऑप्शन बी है रेंट एक्सपेंसेस ऑप्शन सी है बिल्डिंग एंड ऑप्शन डी है गुडविल तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही आंसर है ऑप्शन बी रेंट एक्सपेंसेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट ऑडिट रिस्क इज कम्पोज ऑफ थ्री फैक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिज फैक्टर्स ऑप्शन ए है कंप्लेन्स रिस्क ऑप्शन बी है डिटेक्शन रिस्क ऑप्शन सी है कंट्रोल रिस्क एंड ऑप्शन डी है इनहेरेंट रिस्क तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कंप्लेंट्स रिस्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड है द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑप्शन ए द डायरेक्टर्स ऑप्शन बी द कंपनीज क्रेडिटर्स ऑप्शन सी द कंपनीज बैंक एंड ऑप्शन डी इज द शेयर होल्डर्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड का सही आंसर है ऑप्शन डी द शेयर होल्डर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज ऑप्शन ए वर्टिकल ऑप्शन बी हॉरिजेंटल ऑप्शन सी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड ऑप्शन डी हॉरिजेंटल और वर्टिकल तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन डी हॉरिजेंटल और वर्टिकल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ है परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑप्शन ए है ऑल कैश परचेजेस, ऑप्शन बी है ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑप्शन सी है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड इन ट्रेड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द तो दोस्तों द्वेशन ट्वेंटी फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑल क्रेडिट परचेजेज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट ऑप्शन ए है ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑप्शन बी है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑप्शन सी है स्टॉक ऑफ लॉ सॉरी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑप्शन डी है प्लांट एंड मशीनरी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिथ का सही आंसर है ऑप्शन सी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज ऑप्शन ए है इंटेंजिबल एसेट्स ऑप्शन बी है करंट एसेट्स ऑप्शन सी है करंट लाइबिलिटी और ऑप्शन डी है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन डी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन्थ है द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज फॉर ऑप्शन ए है लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन बी लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन सी है लोकेटिंग क्लैरिकल एरर्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोकेटिंग क्लैरिकल एरर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एथ द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज ऑप्शन ए इज एन एक्सपेंस ऑप्शन बी इनकम ऑप्शन सी एन एसेट ऑप्शन डी लाइबिलिटी तो दोस्तों क्वेश्चन ट्वेंटी एट का सही आंसर है ऑप्शन सी एन एसेट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ है ड्राइंग अकाउंट इज इन इज इन द नेचर ऑफ ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट ऑप्शन बी रियल अकाउंट ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी ये है नन ऑफ द तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट क्या है एक पर्सनल अकाउंट है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नरेशंस आर गिवन एट द एंड ऑफ ऑप्शन ए फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस ऑप्शन सी ईच लेजर अकाउंट और ऑप्शन डी ईच जर्नल एंट्री तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी का सही आंसर है ऑप्शन डी जर्नल एंट्री चलिए चलिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं साइंस और ये इस टेस्ट का लास्ट सेक्शन है चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है पोलियो इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू ऑप्शन ए है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑप्शन बी इज़ वायरल इन्फेक्शन ऑप्शन सी इज़ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और ऑप्शन डी इज़ फूड पॉइजनिंग तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन बी वायरस इन्फेक्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंटेजियस डिजीज़ ऑप्शन ए है मलेरिया ऑप्शन बी है स्मॉल पॉक्स ऑप्शन सी है कॉलरा एंड ऑप्शन डी है ट्यूबाकलोसिस तो so, दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अबाउट ऑप्शन ए है टेन परसेंट ऑप्शन बी है ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन सी है एटी परसेंट तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्सटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मिल्क इज कर्ड द सो टेस्ट इज ड्यू टू तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन है एस्टिक एसिड ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी है टाटारिक एसिड तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर पोजिस चार्ज ऑप्शन ए पॉजिटिव ऑप्शन बी नेगेटिव ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी बोथ एंड बी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज चल क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए गैस डिस्पर्सड इन लिक्विड ऑप्शन बी गैस डिस्पर्स इन सॉलिड ऑप्शन सी सॉलिड डिस्पर्स इन गैस एंड ऑप्शन डी सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सॉलिड डिस्पर्स इन गैस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ थर्मल एनर्जी इज ए एनर्जी ड्यू टू ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवंथ का सही आंसर है बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एट्थ पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट ऑप्शन ए वेवलेंथ ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड एंड ऑप्शन डी पीडिसटी एंड रेगुलरिटी तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन नंबर है अमंग द द फॉलोइंग इज एबल टू सी लाइट ऑप्शन ए है बी ऑप्शन बी है मांकी ऑप्शन सी है फिश और ऑप्शन डी है बर्ड तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए बी तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेंथ है वॉट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑप्शन ए है पार ऑप्शन बी है एनर्जी ऑप्शन सी है करेंट और ऑप्शन डी है वोल्टेज तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेंथ का सही आंसर है ऑप्शन ए पार तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये आज का मॉक टेस्ट खत्म हो चुका है तो दोस्तों आप आपका कितना स्कोर रहा इस टेस्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो दोस्तों अगर आप, आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर किसी को ये पी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी डी लिख दूँगा तो आप मुझे मेल करके बता दीजिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा ओके थैंक यू